उठ जाएगी, इसलिए प्रॉमिस करके सोई है मैं उठ जाऊंगी। ये देखिए देख, उठती नहीं है वैसे ये सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। हम ना फोन पे ब्लफ खेलेंगे, ठीक है, वीडियो कॉल पे। चल सो जा सो जा। बहुत अच्छा लगा, मन ही नहीं कर रहा तेरे को जाम भेजने का। और क्या, और मेरे को हमारी चाची जी ना सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, बट ना हमें बाय करने के लिए उठ गए, पर रात को सोए ना, मेरा मन नहीं कर रहा सोने को। मम्मी को देख के मैं तो पागल। उधर से बाय करके हम पहुंचे हैं हमारी दूसरी मासी के घर, और ये मासी को मम्मा ने अपनी गोद में खिलाया है। तो मम्मा ने हमेशा मेरे को ये बात पता नहीं कितनी बार बता चुकी है कि इनको तैयार करके गोदी में लेके कभी मैं इधर कभी इधर, सारे बोलते थे अरे ये मर जाएंगे, इनको बच्चों को बाहर मत जाने दिया। जैसे वो फेवरेट कजन होते हैं ना, एक कजन होता है जिसके साथ बनती होती है, तो ये जब इनकी दोनों की बहुत बनती है, फेवरेट कजन, कटिंग भी एक जैसी, सेहत भी एक जैसी, टीचर है, दोनों टीचर हैं। ऋषि जब छोटे थे ना तो इसको मैं बारी बारी पूछती थी किसका पुत्र देगा, तो मासी का, दीदी को जलाने के लिए ना, किसका पुत्र है, मासी का, और इसको हर चीज करनी होती थी वो जो और कोई नहीं कर रहा। रात तो अभी भी है, ये तो अभी भी चीज है। चलो ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर कमिंग। साडा वखरा ही कमरा होंदा सी। कितना कैंड हो रहे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच गए हैं फिरोजपुर, 8:20 पे चले थे। 10 डब्बे ले दें, दही नहीं बस मक्खन, मक्खन छोटे वाला ले दें, कितनी है, 4-5 ले दें, नंबर हम देते होएगा। पैरी पेन ए किना, ठीक है बेटा, हैं 8:20 पे चले थे और 10:40 पे फिरोजपुर। लेकिन अभी पापा परौंठे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बस बड़की दे के छुटकी ले के हमने अभी साथ की साथ ही चंडीगढ़ के लिए निकलना है। हाँ जी, रोल करके खा लेंगे बस। अच्छा मेरे कहने से प्लैंकिस कर दे मम्मी को, एक बार देंगे मम्मी खुश हो जाएगी। करो तो सही, करो तो सही, देखो करो तो सही, मैं प्लैंकिस कर और ना कुछ बोले बोले होए कि नहीं होए ना, फिर मेरे को नहीं कभी क्या, मैं क्या मम्मी को तो करवा दूँ। अच्छा का प्लैंकिस तो किसी को नहीं करते हैं, मेरे को तो तेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। ओ याद आ रही थी भैया की, नहीं आ रही थी याद, भैया की भी आ रही थी, भैया की सेकंड नंबर पे ना, पहले मेरी है ना। मम्मा पापा को बाय करके हम निकले हैं चंडीगढ़ के लिए। अपना कॉफी साथ है, ब्लैक कॉफी, क्योंकि रात को एडिटिंग करते करते अगेन मुझे 2:30 बज गए, और अब फिर सुबह हमें जल्दी निकलना था क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचना था। तो सुबह उठे हैं हम 6:30 बजे उठे हैं। लेकिन जो भी है, पर यार लास्ट 2 दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजॉय किया। अभी भी बच्चों के जैसे आपने देखा कि फ़ोन आ रहे हैं, हमारा कोई प्लान ही नहीं था, हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे और कपड़े भी सिर्फ एक ही लेके गए थे, इसीलिए हमने 2 दिन सेम कपड़े पहने, हमारे पास कपड़े ही नहीं थे। थैंक यू निकलता है हमेशा ही, थैंक यू निकलता है कि हाँ लाइक लाइफ में काफ़ी प्यार है, मतलब वो ब्लेसिंग्स है, फील होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने प्यार करने वाले सराउंडिंग्स मिली हुई हैं। आज हमारे ड्राइवर साहब क्या कहते हैं, कॉफ़ी पी के गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि सच में यार मेरे को इतनी नींद आ रही, मैं कुछ सोच रही हूँ। नींद ब्लैक कॉफ़ी नहीं उड़ाती, नींद पैशन उड़ा देता है। जब तुम्हें पैशन होता है ना, वो कहाँ नींद आती है। और ये पैशन किस चीज़ का, बस अपने सपनों को पाने का। लेकिन अब इतनी जल्दी जल्दी क्यों किया है कि अब आज निकले इतनी जल्दी से आए और इतनी मैं भक्का दौड़ी करके यहाँ पहुँच रहा हूँ, या फिर गंगानगर एक ही दिन क्यों रहना था, है ना, चलो उन्होंने रोका तो हम एक और दिन एक्स्ट्रा रुक गए। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, ऑब्वियस है कि जो भी उसके पॉइंट्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। मैं लाइक वहाँ पर जाके जानना चाहता था कि रियलिटी में उनका एक पक्ष सुना जाए और वो बताया जाए और भी लोगों को कि रियल में बात क्या है, क्या उनकी डिमांड्स हैं, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। किसी भी किसान आंदोलन सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियस है ना, लेकिन मैं मेन पक्ष जानना चाहता सी
कि भी जेडे अपने हैगे उन्होंने जिन्होंने नहीं पीता पता या फिर जिन्होंने मिसगाइड करना चाह रहा कि उन्होंने पता ही नहीं भी हो क्यों रहा उन्होंने बस अपने वालों फेक न्यूज़ मिल रही है किसी को है ना मिसगाइड हो रहा है तो मैंने लगा पता चले भी हाँ मेन मुद्दा अपना की है जो अपने तीन चार मुद्दे है मेन मुद्दा यह भी पंजाब ते हरियाणा दो स्टेटा ने हाँ जी जिन्हां दे विच MSP तय है तो उन्होंने फसल खरीदे जाते तो सिर्फ दो ठीक है 23 फसलों की MSP निश्चित है तो खरीदिया जा दो कणक तो झोना गेहूं तो जीरी जिन्हों कह लो हिंदी सिर्फ दो जी सेंटर की सरकार है इन्होंने ये की किया है भी ये दोनों का मंडीकरण जरा तोड़ता पंजाब दियां मंडियां खत्म कर दियां यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं वो मंडी तोड़ना बोल रहे हैं उसका मतलब आगे समझ आएगा कि बीच में लूप होल क्या है कि कैसे जो ये मंडियों वाला जो ये सारा सिस्टम अभी होता है वो कैसे ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाएगा हालांकि वो बोल लिया जा रहा है कि मंडी ख़त्म नहीं होगी लेकिन लूप होल क्या है सिर्फ 166 रुपये मंडी फीस पैंदी है ठीक है जेड़ा भी व्यापारी बाहरों आके फसल खरीदता है ये तुसी हिसाब ला लो भी जेड़ा 166 रुपये फीस तो डरदा फसल नहीं खरीदता सरकारी रेट अच्छा, ते हाँ, हाँ, हाँ। वो सानू 1800 या जिवें गेहूं का रेट है कि 1888 रुपये इंदा झोने का वो सानू 1888 तो वध की रेट दे देगा जेड़ा 166 रुपया तो डरी जा रहा है तो सरकार ने मगर लग के 166 रुपया बदले मंडीकरण तोड़ रही है उधरों की लाइक एक दे रहे हैं कि नहीं जी MSP हैगी है जी तू मतलब कि मिसगाइड किया जा रहा है जिवें बयान आए है भी MSP हैगी है वो प्रोपर जो बिल उन्हें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई नहीं जी वो तो लिखी का नहीं मतलब होंगे जो इन्होंने मंडिया तोड़तियाँ जिंद फसल बेचने मंडिया टुट गई फिर उस तो बाद लुट शुरू होगी जिनी भी अच्छा, ये है मेन लूप होल और ये वही बात होगी कि पहले एक अपना मोबाइल नेटवर्क कंपनी आई थी उसने पहले फ्री डाटा दिया और उसके बाद अब आपको पता ही है कितने उनके चार्जेस हैं तो यही बात यहाँ पे वो एक अगर इसको आसान भाषा में बोले तो समझी जा सकती है उस मोबाइल नेटवर्क कंपनी की हमारी एग्जाम्पल लेके हाँ ऊपरों कोई जवाब आया है उन्होंने बोलो क्योंकि अपने बाबा पूरी सपोर्ट है चली जा रहे ने भी जेडे बंदे हुण असीं जाना है 7 बंदे चले आ 7:30 ही उत्थों आउणगे अच्छा अच्छा ताकि उत्थे पूरा शुक्रवार नूं 10 बंदे होर जाणगे उह 10 पहले आ जाणगे फिर ये 7 दोबारा फिर जानगे जेडे आउणगे ते पूरी यानी कि यूनिटी टुटे ना पूरी भीड़ रखनी है पूरी पूरा पता चले नहीं कि ता असी आ गए ना साडे जेडे घरां दी जिम्मेवारी है दूजेयां ने ले ली ये जिम्मेवारी साडी है जो कहिंदे पानी ताणी असी तुहाडे खेती में लावांगे सारा कुछ करांगे सब भी रखो जो मैं भी कहना चाहवांगा भी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ MSP 23 ਦੀ 23 ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पुलिस वगैरह भी इतने ही खा रही है उन्होंने भी नहीं रोकया जा रहा पूरा जेड़ा मर्जी आए वो कोई सीन नहीं है भावें तुम सपोर्ट कर दो नहीं कर दो साढ़े वालों तुम्हें सपोर्ट रहेगी मेरा मेन मकसद से कि जेड़ा अपना मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए क्योंकि तुम्हें पता है कि टीवी से की कुछ चल रहा है भरा खड़ा है देखो ये उस दिन गोला वजिया लंगर की जी अपनी प्रथा है वो आप इन्होंने इतने खत्म नहीं होने दी चाहे वो राती कोई 4 बजे आ रहा कोई 1-2 बजे भी आ रहा है उन्होंने लंगर भी मिल रहा है उन्होंने चाह भी मिल रही है वो तुसी देख रहे होने गद्दे बिस्तरे कंबल भी इंतजाम दुकानें भी छक रहे हैं जी उन्होंने हाँ कोई मना नहीं है पंजाब दे विच हर एक फसल पैदा कर सकते हैं हर एक फसल पैदा कर सकते हैं लेकिन साड़ी मजबूरी ये बन गई कि सानू केवल कणक ते चावल दे उपर ही झोने ते MP जिहड़ी ये दे रहे सी MSP ते उहदी वजह करके असी सिर्फ दो फसलों ते निर्भर रह गए असी अपनियां बहुत सारियां फसलां जिहड़ियां को कह लो कि उन्होंने दूर हो गए लेकिन हुण ये जिहड़ियां साडे कोल दो बचियां सी ओह भी पूरी तरह खो लईआं कि ए भी नहीं असी तुहानूं रहण देणगे ये सारा रात को सोने के लिए रजाइयां वगैरह सब कुछ रास्ते में हमने देखा कि ट्रालियां भर भर के जा रही हैं उसमें रजाइयां खाने पीने का सामान
मतलब कि जो भी चाहिए होता है। अब इतना सारा सुनने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि किसानों को पता नहीं है, उन्हें मिस गाइड किया जा रहा है, देखो कितने डिटेल से उन्होंने समझा दिया है कि रीज़न क्या है। आपका इसके बारे में क्या व्यू है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो देन किसी ना किसी तरीके से आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हो, वो चाहे आपका एक शेयर है या फिर आपका किसी ना किसी तरीके से जैसे भी आपको लगता है आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कंफर्टेबल है आपको सपोर्ट करना, बहुत से तरीके हैं सपोर्ट करने के। तो ये था अपना आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नवी खप लेके। आज के व्लॉग में मैसेज हो गया।